वडोदरा शहर में कोरोना वायरस के संक्रमण की साइकिल को तोड़ने के लिए व्यापारियों द्वारा अब सेल्फ डिफेंस के आधार पर सेल्फ लॉकडाउन करने का रास्ता अपनाया जा रहा है। वडोदरा शहर में कोरोना वायरस का संक्रमण दिन प्रतिदिन गंभीर स्वरूप धारण कर रहा है। ऐसे में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सेल्फ डिफेंस और लॉकडाउन की जरूरत आन पड़ी है। सरकार द्वारा सिर्फ सेल्फ डिफेंस की बात की जा रही है, तो वहीं लोगों में कोरोना के खिलाफ सेल्फ डिफेंस का अभाव भी नजर आ रहा है। अब एकमात्र उपाय लॉकडाउन ही आधार बन चुका है। सरकार द्वारा सिर्फ सेल्फ डिफेंस की बात की जा रही है, तो वहीं व्यापारियों द्वारा कोरोना की साइकिल को तोड़ने के लिए सेल्फ लॉकडाउन का रास्ता अपनाया जा रहा है, जहां कई व्यापारियों द्वारा स्वयंभू अपने परिवारजनों की सलामती को ध्यान में रखते हुए सेल्फ डिफेंस के भाग रूप लॉकडाउन का रास्ता अपनाते हुए लॉकडाउन का पालन भी किया जा रहा है। दी वडोदरा प्लाईवुड मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा सेल्फ डिफेंस के साथ सेल्फ लॉकडाउन की भी शुरुआत की गई है। तो वहीं कंपनी में 50% स्टाफ के साथ काम करते वैसे कामदारों के लिए सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से कंपनी को उनका वेतन चुकाने के लिए आदेश दिए जाए, वैसी कामदार यूनियन द्वारा विरोध करते हुए मांग की गई थी। गई काले गुजरात सरकारे गुजरात हाईकोर्ट ना निर्देश मुजब 50% स्टाफ थी कर्मचारियों थी काम चलावा माटे नु जे सजेशन कर्यु तो एना अनुसंधान में सरकारे काले जाहेरात करी के 50% कर्मचारी काम चलावामां आवशे। सरकारी कचेरीओमां सरकारी निगमोमां अने खानगी क्षेत्रना कंपनीओमां पण 50% काम करवानुं रहेशे। आ कोविड परिस्थितिमां आ निर्णय सारूं छे तेने आपे आवकारीए छे, पण अमारे मांगणी एवी छे के कामदारों जे 50% खानगी क्षेत्र में जे कामदारों छे जे एमने 50% ने काम पर थी जे बेसाड़वामां आवशे तो तेमने पगार मळवो जोईए। केम के आ परिस्थिति अत्यारनी जे परिस्थिति छे बहु कपरी परिस्थिति छे। आ परिस्थितिनी अंदर कामदारोने जे पगार वगर बेसाड़वामां आवशे तो एमने बहु मुश्किलीनो सामनो करवो पड़शे। तेथी सरकारे नोटिफिकेशन बहार पड़ी कि 50% कामदारों जमने घरे बेसाड़ों में आवे तमनों पगार चालू रहे तेवी व्यवस्था सरकारे करवी जोईए।